हरियाणा के इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने बयान देते हुए कहा, कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो चुकी है। कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशियों का जनता में विरोध हो रहा है। हरियाणा की जनता का केवल इनेलो में विश्वास है। इन हालत में सभी 10 सीटें जीतने का दावा तो नहीं करते, लेकिन हरियाणा में इनेलो लोकसभा चुनाव में अपना पूरा सम्मानजनक हिस्सा प्राप्त करेगी। प्रदेश में महागठबंधन पर बोलते हुए कहा कि जो लोग कल तक ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को जेल भिजवाने के लिए कांग्रेस को दोषी मानते थे, आज वही लोग कांग्रेस के साथ चुनावी महागठबंधन करने के लिए कांग्रेस के दरवाजे पर नाक रगड़ रहे हैं। इससे उनका ये आरोप साबित हो रहा है कि इनेलो को कांग्रेस के इशारे पर तोड़ने का काम किया गया है। कांग्रेस की हालत तो आज ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो रोज ये कहती है हम अकेले लड़ेंगे, दूसरी तरफ उनके जो उम्मीदवार जिनकी नाम चर्चा हुई थी यहाँ पे नवीन जिंदल के लिए, सभी हम जो है अपने गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ घोषणा करी थी कुरुक्षेत्र में कि कुरुक्षेत्र से हमारा प्रत्याशी जो है नवीन जिंदल होगा। आज वो जिंदल जो है मैदान छोड़ करके चले गए और हम 100 का 100% हरियाणा प्रदेश में औरों की तरह ये तो नहीं कहेंगे कि हम तो 10 की 10 जीत लेंगे। ये 10 की 10 जीतने की बात कहने वालों को तो 12 तारीख के बाद प्रेस के सामने आएंगे तो फिर ये किस मुंह से कहेंगे कि हम तो 10 की 10 जीतने की बात कर रहे थे, 0 पे आके खड़े हो गए, लेकिन हम 100% अपना बड़ा शेयर यहाँ से हासिल करेंगे।